आंदोलन भी करेंगे। वहीं दूसरी ओर पार्टी से निष्कासित नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार के गुट ने स्थानीय धर्मशाला में अपना वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया, जिसमें पार्टी के नए अध्यक्ष पर चर्चा होनी है। त्रिवेंद्र पवार का कहना है कि उनका गुट ही असली यूकेडी है और पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव 25 जुलाई को होगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल सूबे की इकलौती रीजनल पार्टी है, लेकिन अपने क्षेत्रों के अहम के चलते ये पार्टी लगातार विभाजित होती रही है। इस वक्त भी पार्टी में एक अजीब गरीब स्थिति है। वजह यह कि काशी सिंह एरी के नेतृत्व में यूकेडी है, वहीं दूसरी ओर त्रिवेंद्र पवार का गुट अपने आप को असली गुट होने का दावा कर रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलहे बरामद किए गए हैं। ये असलहे बिहार से तस्करी कर एनसीआर में सप्लाई किए जाते थे। पुलिस द्वारा पकड़े गए अभियुक्तों के नाम गयूर अली और मेहताब अली हैं। दोनों शामली जिले के रहने वाले हैं। इन दोनों को पुलिस ने सियानीगेट इलाके से गिरफ्तार किया। दोनों एक कार पर सवार थे, जिसमें से पुलिस को 9 mm की 3 पिस्टल, 4 सिंगल बैरल बंदूकें, 4 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि ये लोग बिहार के रक्सौल जिले से हथियार लाकर एनसीआर में सप्लाई करते थे। इनका एक साथी उमेर फरार है। हथियारों की तस्करी का ये ताराबाना मुजफ्फरनगर की जेल में बुना गया था। गिरफ्तार आरोपी गयूर अली एक छोटे से मामले में मुजफ्फरनगर जेल गया था, जहां उसकी मुलाकात हथियारों के एक तस्कर से हुई और उसी तस्कर से उसने तस्करी के तौर तरीके सीखे। अभी मेरठ में एक छात्रा के साथ हुए गैंगरेप का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर स्कूल जा रही एक नाबालिग छात्रा के साथ कुछ युवकों ने अपहरण का प्रयास किया, लेकिन लोगों के विरोध और छात्रा के हौसले की वजह से युवक सफल नहीं हो सके और छात्रा को छोड़कर फरार हो गए। मेरठ के थाना मेडिकल इलाके के जागृति विहार सेक्टर 3 में स्कूल जा रही 11वीं कक्षा की छात्रा को उसके पड़ोसी सोनू ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण करने का प्रयास किया। छात्रा का कहना है कि पिछले काफी समय से वह उसका पीछा कर रहा था, लेकिन मौका पाकर सोनू अपने साथियों के साथ आया और उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी सफल नहीं हो सके। छात्रा ने आरोपियों से जमकर विरोध किया और खुद को छुड़ा लिया। इस दौरान आसपास के लोगों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना क्रम में छात्रा के कपड़े तक फट गए। आरोपी ने छात्रा के साथ साथ छात्रा के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। उधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के पिता को हिरासत में ले लिया है। सवाल इस बात का है कि संबंधित कानून में संशोधन करके उन्हें और कड़ा बनाया गया है, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश में इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि अपराधी पुलिस या कानून से बिल्कुल भी डरने के लिए तैयार नहीं है? मेरठ से पिछले सोमवार को 7 बच्चे जेल तोड़कर फरार हो गए थे, जिनमें से 3 बच्चों को ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन तीनों को ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने सेक्टर 36 से गिरफ्तार किया है, बाकी चारों की तलाश जारी है। ग्रेटर नोएडा पुलिस की गिरफ्त में ये 3 मासूम से दिखने वाले बच्चे बड़े ही शातिर हैं। ये सभी बच्चे मेरठ की बाल जेल से बड़े ही फिल्मी अंदाज से फरार हुए थे। 22 जुलाई को ये जेल की 6 मंजिल से 3 सेट को काट कर फरार हो गए थे, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा में 3 बच्चों जिनमें केशव, शाहरुख और संगन शामिल है को पुलिस ने सूचना मिलने पर हिरासत में ले लिया। तीनों ही चोरी के वारदात में जेल में सजा काट रहे हैं। भिवानी शहर को गंदगी से मुक्त करने के लिए अब नगर निगम मेट्रो सिटी की तर्ज पर अंडरग्राउंड कूड़ा घर बनाने जा रहा है। दरअसल ग्रीन सिटी के नाम से मशहूर हल्द्वानी में लंबे समय से गंदगी के निस्तारण की समस्या चली आ रही थी, जिस पर काम करते हुए अब नगर निगम ने मेट्रो सिटीज की तर्ज पर कूड़ाघर बनाने का निर्णय लिया है। नगर निगम प्रशासन ने शहर की 6 सबसे ज्यादा गंदगी वाली जगहों को चिन्हित कर वहां अंडरग्राउंड कूड़ाघर बनाने का निर्णय लेकर उनके टेंडर भी कर दिए हैं। अब दिल्ली के IRWM कंपनी जल्द अंडरग्राउंड कूड़ाघर तैयार करेगी। नगर निगम के MNA RD पालीवाल ने बताया कि नगर निगम पूरे शहर को नीट और क्लीन बनाने के लिए इन योजनाओं को जल्द धरातल पर पूरी करने की कोशिश करेगा। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से शहर में फैली पूरी गंदगी से निजात मिल जाएगी, साथ ही पर्यावरण भी साफ रहेगा। स्कूली छात्रों से भरी टेम्पो में ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। घटना कन्नौज जिले के कटरा गांव की है। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूली बच्चों से भरी टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही 7 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक कन्नौज जिले के जलालपुर पनवारा गांव में स्थित
SPS विद्या मंदिर के करीब 20 छात्रों से भरी टेम्पो में स्कूल जा रहे बच्चे जीटी रोड पर टेम्पो में ज्यादा लोड होने के कारण पुल पर चढ़ न सका। तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। स्कूली छात्रों से भरे टेम्पो में टक्कर लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने आनी फानी में बच्चों को टेम्पो से बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस बुलाकर घायल बच्चों को जिला अस्पताल भिजवाया बताया जा रहा है, जहां 3 बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल वारदात को अंजाम देने वाला ट्रक पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन ट्रक ड्राइवर मौके से भागने में कामयाब रहा। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के कैंट रेलवे स्टेशन के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने मामा और भांजी को रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक और बाइक दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे। बाइक सवार कैलाश नाथ मौर्य और मधु देवी रोडवेज से अपने निवास सेवापुरी जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कैलाश नाथ रोडवेज कर्मी था, वो अपनी भांजी को लेकर सेवापुरी निवास जा रहा था। फिलहाल ट्रक ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, वहीं शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हिट एंड रन मामले में मुंबई की सेशंस कोर्ट ने बॉलीवुड के दबंग सलमान खान पर गैर जातन हत्या के आरोप तय कर दिए हैं। ऐसे में यदि सलमान खान आरोपी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। सलमान के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें ट्रायल के दौरान पेशी से छूट दे दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान सलमान खान ने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। जज ने उनसे पूछा कि क्या वे खुद को इस मामले में दोषी मानते हैं, तो उन्होंने कहा मैं निर्दोष हूँ। लेकिन कोर्ट ने फैसला किया गैर इरादतन हत्या का केस ही चलेगा। उनके खिलाफ IPC की धारा 304, 379, 338 और 437 के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले जज ने कहा था कि वह सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि उनका तबादला हो गया है। कोर्ट ने सलमान खान को थोड़ी राहत देते हुए उन्हें ट्रायल के दौरान पेशी से छूट दे दी, लेकिन जज ने कहा कि अगर जरूरी होगा तो उन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। टीम इंडिया ने हरारे वनडे में जिम्बाब्वे को 6 विकेट से मात देने के बाद सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। सबसे पहले टॉस जीतकर टीम इंडिया ने गेंदबाजी का फैसला किया। हालांकि टीम इंडिया के गेंदबाज जिम्बाब्वे को कोई शुरुआती झटका नहीं दे सके, लेकिन रनों की गति को धीमी कर दिया था। वहीं लंबे समय के बाद टीम इंडिया वापसी कर रहे अमित मिश्रा की फिरकी में जिम्बाब्वे टीम पूरी तरह उलझ गई। अमित मिश्रा ने 3 विकेट झटके। वहीं जिम्बाब्वे टीम 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 228 रन बना सकी। 239 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा, शिखर धवन ज्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन टीम इंडिया के नए कप्तान विराट कोहली ने 115 रनों की पारी खेली, जबकि वनडे में डेब्यू कर रहे अंबाती रायडू ने 63 रनों का योगदान दिया। दोनों की शानदार पारी के बदौलत टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पे 230 रन बना लिए और 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। टीम इंडिया ने इस मैच में शानदार जीत दर्ज की है। वहीं इस जीत से एक बात तो तय हो गई है कि कोहली की विराट सेना में वाकई दम है। वहीं टीम इंडिया का मुकाबला 26 जुलाई को खेला जाएगा। भारत कुमार के नाम से प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता मनोज कुमार अपने जन्मदिन पर ही एक मेजर सर्जरी से गुजरे। जन्मदिन के दिन ही उनकी गॉड ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ और ये ऑपरेशन हुआ सक्सेस। मनोज कुमार को पेट दर्द की शिकायत पर 17 जुलाई को मुंबई के कोकिला पेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को उनका ऑपरेशन हुआ। दरअसल मनोज कुमार की गॉड ब्लैडर में पथरी थी। संयोग की बात है किसी दिन ही उनका जन्मदिन भी है। मनोज कुमार के बारे में खबर आई थी कि प्राण की मौत के बाद मनोज कुमार सदमे में हैं। वो किसी से मिलने जुलने से बच रहे थे। उन्होंने खुद को ही कमरे में बंद कर लिया था। बाद में उन्हें पेट दर्द की शिकायत हुई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक अभिनेता के साथ मनोज कुमार एक फिल्म निर्माता निर्देशक के रूप में भी पहचाने जाते रहे। मनोज कुमार देशभक्ति की फिल्मों से जुड़े रहे। एक फिल्मकार के रूप में देशभक्त की उनकी इमेज इतनी पुख्ता थी कि वो भारत कुमार भी कहलाए जाते रहे। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. My love of my life. Only Khujli ne plan banaya quickly aur pipe dabaya quietly. Refreshing minigun. Aaj li kya? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में रंग, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो।
गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। समाचार प्लस ने उठाए थे सवाल। अब खाना बिना कीड़ों के मिल जाए, खाना खाने के बाद बच्चों को अस्पताल का बिस्तर ना नसीब हो, ये गनीमत है साहब। वो स्कूल का जो प्रिंसिपल है, टीचर है, चपरासी है, क्लर्क है, वो देखेगा ना उसको। स्कूल के भगौने में जो कुत्ता मुंह डाल रहा है उसको हटाने के लिए प्रधानमंत्री की ड्यूटी लगाओ, लोकसभा अध्यक्ष की ड्यूटी लगाओ, या भारत के मुख्य न्यायाधीश की ड्यूटी लगाओ। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, मैं आभारी हूँ कि आपके चैनल ने इसको उठाया। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक 31 लोकेशन दिखाई, दुर्दशा दिखाई, मुझे वचन दीजिए कल 24 घंटे के भीतर ये सारे पापी निलंबित होने चाहिए। शिक्षा मंत्री जो है और मुख्यमंत्री के पास पत्र लिख करके उनसे मिलूंगा और उनसे कहूंगा कि 31 लोगों के खिलाफ जिन लोगों को दिखाया गया है उस पर कार्रवाई करिए। समाचार प्लस की खबर का हुआ असर। समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। मिड डे मील में गड़बड़ी को लेकर लिखा है पत्र, जिम्मेदार अफसरों पर होगी कार्रवाई। रविदास ने कहा है कि समाचार प्लस के शो बिग बुलेटिन में किया था वायदा। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, दूध से सादा पान मसाला। फाइनल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है, आपके साथ मैं हूं नितिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से उड़ाया देश के गरीबों का मजाक। रोजाना 28 रुपए खर्च करने वालों को बताया गरीबी रेखा के ऊपर। नए आंकड़ों में 17 करोड़ लोगों की गरीबी दूर करने का किया चमत्कार। 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान पर आरोप तय। कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का आरोप तय किया, 10 साल तक हो सकती है सजा। मिशन 2014 की तैयारियों में जुटे राहुल गांधी को लगा तगड़ा झटका। कांग्रेस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी कोटे के केंद्रीय मंत्री हीरो नहीं बल्कि जीरो। समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी को लिखा पत्र। मिड डे मील में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग। केदारनाथ के पास गरुड़ चट्टी में निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 2 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे पर जताया शोक। उत्तराखंड में बादल फटने का सिलसिला जारी। चमोली के थिरपाक में फटा बादल, 3 की मौत, दर्जनों मकान तबाह। सीतापुर में घाघरा और शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर। उफनाई नदियों ने 600 गांवों को उजाड़ा, 21 लोगों की हुई मौत, हजारों लोग बेघर। भारत की सुरक्षा से निजी बसें कर रही हैं खिलवाड़। प्रतिबंध के बावजूद दर्जनों बसों का नेपाल से दिल्ली तक का किया जा रहा है संचालन, प्रशासन है बेखबर। हरारे वनडे में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 6 विकेट से दी शिकस्त। विराट कोहली ने जड़ा शानदार शतक, भारत सीरीज में 1-0 से आगे। राहत कार्य में लगे हेलीकॉप्टर और उनके कर्मचारियों के लिए मौसम घातक साबित होता जा रहा है। बुधवार को ट्रांस भारत हेलीकॉप्टर कंपनी का एक हेलीकॉप्टर बेल 407 अचानक खराब मौसम की वजह से क्रैश हो गया। केदारनाथ के गरुड़चट्टी में दुर्घटनाग्रस्त यह विमान हुआ, जिसमें पायलट जेएस धारीवाल और उनके इंजीनियर अभय रंजन की मौके पर ही मौत हो गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर शोक जताया है। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि पायलट के विवेक पर ही हेलीकॉप्टर उड़ने की अनुमति होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने दोनों हताहतों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
जी 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 बहुत ही दुखद घटना है और एक चॉपर क्रैश हो गया है। पायलट और उसके साथ आ रहा उसका इंजीनियर दोनों क्रैश कर गए हैं गरुड़ चट्टी के पास। ये तीसरा क्रैश हुआ है। एक क्रैश में तो पायलट बच गया था लेकिन एयरफोर्स का एक चॉपर क्रैश हुआ, आज एक प्राइवेट चॉपर क्रैश हुआ है। मौसम उस घाटी में बिल्कुल खराब चल रहा है।